Welcome to Mishika classes. Today's Python part number 16, and in today's full class we are going to discuss about the programs based on the functions. आज हमारी Python की 16 नंबर की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं जो प्रोग्राम्स फंक्शंस पे बेस्ड होंगे आज हम वो डिस्कस करेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं. जो पहला प्रोग्राम है वो क्या है, डिफाइनिंग द फंक्शन. फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, तो डिफाइनिंग के लिए def मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. मैंने फंक्शन का नेम क्या दिया, हेलो. हेलो मैं बेसिकली जो भी फंक्शन का नेम दूंगी वो उसी से आपको पता चल जाएगा ये फंक्शन किस चीज का बना रही हूँ. तो जब आप डिजाइनिंग करो तो आप भी इस चीज को ध्यान रखो. जैसे अभी देखना, डिफाइनिंग करी मैंने हेलो की, साथ में एक ब्रैकेट दे दिए, मीन्स ये अनडिफाइंड टेक्स्ट है, इसमें हम कोई वैल्यूज को कॉल नहीं करवाएंगे. ओके, तो अब मेरा इसमें जब भी मैं इस मैसेज को कॉल करूँ तो क्या मैसेज प्रिंट हो, प्रिंट वेलकम टू मिशिका क्लासेस. जैसा कि मैं बोलती हूँ स्टार्टिंग में, मैंने यही मैसेज मैंने प्रिंट करना है. हेलो मींस क्या होता है, जब भी हम हेलो कब करते हैं, जब हमने कोई बात शुरू करनी होती है, यही होता है ना मतलब. तो मैंने यही मैसेज, मैं अपनी बात शुरू कैसे करती हूँ, जब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करती हूँ थ्रू माई वीडियोज, तो मैं कहती हूँ वेलकम टू मिशिका क्लासेस. तो ये दिस इज अ वे, दिस इज माई वे टू इंटरेक्ट विद यू, ये मेरा तरीका आपसे इंटरेक्ट करने का. तो मैंने वही टेक्स्ट मैंने इसमें टाइप कर दिया हेलो बोलने का, तो इसीलिए हेलो दिया नाम, क्योंकि यहाँ पर मैं बातचीत शुरू कर रही हूँ आपसे, प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ फंक्शन बनाने का. तो प्रिंट वेलकम टू मिशिका क्लास. आफ्टर दैट उसके बाद क्या करवाया, मैंने हेलो को कॉल करवाया. अब मेरा फंक्शन तो मैं डिफाइन कर दिया ना, अब मुझे आउटपुट देखने, तो मैंने हेलो को कॉल करवाया. जैसे ही मैं हेलो को कॉल करवाती हूँ तो वो मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो कॉल करवाते ही वो प्रोग्राम में जाएगा, फंक्शन में जाएगा. उसने वहां देखा कि इसे प्रिंट करने को मैसेज दिया हुआ, तो प्रिंट कमांड छोड़ देगा, जो मैसेज है वो प्रिंट करवा देगा. मैसेज क्या प्रिंट हो गया, वेलकम टू मिशिका क्लासेस, दैट्स इट. कैसे हुआ, पहले प्रोग्राम बनाया, सर पहला प्रोग्राम था फंक्शन का था. तो हेलो क्या होता है, बेसिकली हेलो हम अपने टेक्स्ट को समझाने की बात शुरू करने के लिए करते हैं, और मैं अपनी बात कैसे शुरू करती हूँ, वेलकम टू मिशिका क्लासेस के नाम से. तो मैंने ये मैसेज प्रिंट करवाना, तो प्रिंट दिया. और उसके बाद जब मैंने उसी फंक्शन को कॉल करवाया, फंक्शन नेम दोगे सिर्फ और कॉल करवाएंगे, तो आपका वेलकम टू मिशिका क्लासेस प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने प्रिंट कर दिया था तो यहाँ प्रिंट हो गया. ओके, इन नेक्स्ट प्रोग्राम वी विल सी हाउ वी विल रिटर्न द वैल्यूज. मींस अगर मुझे टेक्स्ट यानी कि कोई कमेंट नहीं देना, मुझे कुछ काम करवाना है, मुझे कोई कैलकुलेशन करवानी है, कोई वैल्यू रिटर्न करवानी, तो दिस इज द वे. ये एक तरीका है. डिफाइन एड. एड का मतलब मैं इस प्रोग्राम के अंदर क्लियर हो गया है, आपको भी होगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन होने वाली है, एड करने वाली हूँ मैं. यही फंक्शन का नेम पढ़ते ही क्लियर हो जाना चाहिए. फंक्शन का नेम हमेशा ऐसा हो जिससे आप फंक्शन का नेम रीड करो और आपको पता चल जाए ये किस चीज का फंक्शन है. डिफाइन एड. एड दिया. एड के अंदर क्या होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं ए एंड बी. ए और बी लिए मैंने. मैंने जो डाटा टाइप चूज किया दैट इज अ इंटीजर. यू कैन चूज फ्लोट, यू कैन चूज एनी डाटा टाइप. इन एडिशन के लिए आप फ्लोट भी यूज कर सकते हो. मैंने इंटीजर ली है, आप जो मर्जी चाहे वो ले सकते हो. ए इंट, ए की इंटीजर, बी की भी इंटीजर है. आप चाहो तो एक इंटीजर और एक फ्लोट भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है. ओके, मैंने दोनों इंटीजर लिए. आफ्टर दैट अब एडिशन कैसे होगी, सी एक वेरिएबल जिसमें ए और बी जो है ऐड करके आ जाएगा. सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ये टास्क इसने परफॉर्म करना है. और नेक्स्ट क्या है, जो भी सी में वैल्यू है वो रिटर्न हो जाए. तो दिस इज अ रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न इज अगेन अ कीवर्ड. रिटर्न अगेन एक कीवर्ड है, उसमें क्या रिटर्न हो जाए, सी, जो भी सी के अंदर वैल्यू आए वो रिटर्न हो जाए. अब क्या होगा, जब मैं ए, अब मैं मैसेज को प्रिंट करवाना है, तो क्या होगा, पहले ए और बी को मैं वैल्यू को असाइन करूंगी. ए और बी दोनों को मैंने वैल्यू दे दी. मैंने इंटीजर टाइप डिक्लेयर करिया, तो यहाँ पर जो मैं डाटा होगा वो भी इंटीजर होगा. अगर मैं फॉरलॉट टाइप डिक्लेयर करूंगा तो यहाँ पे जो मैं डाटा होगा दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ फॉरलॉट. तो ए इज 25 एंड बी इज 35 मैंने डिक्लेयर करवाया. आफ्टर दैट सी इज एड ए एंड बी. उसके बाद मैंने क्या करा, सी के अंदर वैल्यूज आ जाए. कौन सा फंक्शन को कॉल करवा रही हूँ, कौन सा फंक्शन है, एड ए और बी. यही प्रोग्राम का नाम था एड, और वेरिएबल्स क्या थे इसमें, ए और बी, यही मैंने कॉल करवा दिया. आफ्टर दैट प्रिंट सी. प्रिंट कर दो सी को. अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, अब सी की जो वैल्यू थी, सी बेसिकली क्यों दिया यहाँ पर, सी इसलिए दिया है क्योंकि जो मैंने ऊपर फंक्शन डिक्लेयर किया था उसमें जो रिटर्न कर रही है वैल्यू दैट इज सी. रिटर्न क्या हो रही है, वैल्यू सी रिटर्न हो रही है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर वेरिएबल सी लिया है. अगर यहाँ पर मैं वेरिएबल कुछ और लेना चाहूंगी तो मुझे रिटर्न भी वही वेरिएबल कराना पड़ेगा, यानी कि जिस वेरिएबल में डाटा होगा वही तो वैल्यू रिटर्न करेगा. मीन्स वहां पर मैं सी ले लूँ और यहाँ पर मैं डी ले लूँ तो आंसर नहीं आएगा. आंसर तभी आएगा जिसमें आप रिटर्न करवा रहे हो, और जब दोबारा आप कॉल करवाओगे उस प्रोग्राम को रन करवाने के लिए, उस फंक्शन को रन करवाने के लिए, तो यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल ओनली. आपको वही वेरिएबल का यूज करना होगा. अब वेरिएबल तो रिकॉल करवा लिए, जो डाटा था वो तो मैंने रिकॉल करवा लिया. अब मुझे करना क्या उस डाटा का, आई हैव टू प्रिंट दैट मैसेज. मुझे वो नंबर प्रिंट करवाना,
तो मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, प्रिंट सी देखते ही उसने सी को प्रिंट कर दिया। सी 25 + 35 = 60, 35 क्या आ गया आंसर, 60 आ गया। कैसे होता है, फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इस फंक्शन का एडवांटेज क्या है, मैं अगर इस फंक्शन को जितनी मर्जी टाइम उतनी टाइम आपको मैं इसे बार बार कॉल करवा सकती हूँ, जस्ट आई हैव टू चेंज द नंबर, मुझे नंबर है ए और बी की जो वैल्यूज है वो ही चेंज करनी पड़ेंगी, बाकी सारा काम ही अपना आप ही कर देगा। ये सिंपल सा प्रोग्राम था, वैसे भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेसिकली इट इज अ स्टार्टिंग प्रोग्राम, से मैं आपको बहुत स्टार्टिंग के प्रोग्राम्स करवा रही हूँ। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट्स बाय यूजिंग अ फंक्शंस, हम फंक्शंस की हेल्प से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये यूज होते हैं। ओके, तो सी इज इक्वल टू एड ए और बी, प्रिंट करवाया सी को और सी प्रिंट हो गया। पहले क्या करेगा, वो ऐड करेगा, ऐड के लिए वापस उसमें जाएगा, वो देखे क्या टास्क था, उसमें ए और बी को ऐड किया था, तो उसने ए और बी को ऐड कर दिया 25 + 35। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे सेम नेम देता कि पता चल जाए कि करना क्या और हो क्या रहा है। ओके, मैं यहाँ पर नाम कुछ और दे दू और ऊपर कुछ और दे दू, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने जो फंक्शन का नाम मिशिका दे दू और मैं उसे कॉल करूँ तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसीलिए अच्छा रहता है प्रोग्रामर हो आप, प्रोग्रामिंग सीख रहे हो और आगे अपना आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये जरूरी है कि आप जो भी चीज लिखो, जो भी चीज वेरिएबल चूज करो या जो भी आप नाम दो किसी भी चीज को प्रोग्रामिंग के अंदर, आप वही चूज करो जो उसका काम है। मैं एडिशन कर रही हूँ तो मैंने फंक्शन का नेम भी एड ही दिया है, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँ तो फंक्शन का नेम भी मैं आप इसको कुछ और दोगे तो गलत नहीं होगा, ये नहीं है कि वो आंसर नहीं देगा, वो आंसर देगा, बट इजी क्या रहता है, समझ में क्या आता है, इजी क्या रहता है, प्रॉब्लम्स एरर्स को ढूंढना आसान क्यों रहता है, वो इसीलिए रहता है कि अगर जो काम कर रहे हैं और वही हम उसका नाम भी दे दें। तो नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, अब क्या होगा, नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो नंबर का स्क्वायर के लिए मैंने फंक्शन डिफाइन करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करूंगी, करेक्ट, स्क्वायर कैलकुलेट करें तो स्क्वायर ही कॉल करूंगी। अब स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर, व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ देन द आंसर इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, जो उसका आंसर आएगा वो क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 × 5 = 25, तो 25 बेसिकली क्या है, 5 का स्क्वायर इज 25, तो एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने वेरिएबल ए दिया। अब क्वेश्चन अराइजेस, नाउ क्वेश्चन क्या है मेरा, कि जो मैंने पहला फंक्शन डिक्लेयर किया तो उसमें मैंने इंटीजर दिया था, दिस इज द सेकंड वे टू डिक्लेयर द फंक्शन, ये दूसरा तरीका है फंक्शन को डिक्लेयर करवाने का, यू कैन यूज एनी ऑफ वन, आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। इसमें मैं डिफाइन नहीं कर रही हूँ कि क्या इंटीजर टाइप है मेरा डाटा टाइप, बेसिकली क्या इंटीजर है, फ्लोट है, उसे मैंने डिफाइन कर दिया तो वही रहेगा, इसमें मैं डिफाइन नहीं कर रही, जौन सा मर्जी चाहे मैं यूज कर सकती हूँ। आफ्टर दैट रिटर्न, अब रिटर्न के लिए मैंने पहले उसमें ऑपरेशन अलग परफॉर्म कराया था और फिर रिटर्न में अलग वेरिएबल पिक करवाया था, बट दिस टाइम अब इस बारे में क्या कर रही हूँ, रिटर्न के अंदर ही जो मेरा डाटा है, जो मेरा ऑपरेशन परफॉर्म करना, मैं रिटर्न में वही डाटा डायरेक्टली डाल रही हूँ, उसमें मैंने सी एक वेरिएबल लिया था, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी के, फिर सी को रिटर्न करवाया था, बट दिस टाइम आप रिटर्न में क्या कर रही हूँ, मैं ऐसा भी कर सकती थी सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए कर सकती थी और फिर मैं रिटर्न सी करवा सकती थी, या बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए कर सकती थी और फिर मैं रिटर्न बी को करवा सकती थी, बट मैंने क्या करा, रिटर्न में ही ए मल्टीप्लाई बाय, ये दूसरा मेथड है कि आप क्या करो, डाटा टाइप डिक्लेयर ना करो, आप ऑपरेशन डिफाइन ना करो, आप रिटर्न में सिंगल वेरिएबल ना यूज करके सिंगल ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो, दिस इज द सेकंड वे। ओके, नाउ प्रिंट स्क्वायर, अब जब मैं इसको कॉल करवा रही हूँ फंक्शन को, दिस इज द अनदर वे, अब उसमें मुझे क्या करना पड़ रहा था, पहले मुझे इनपुट देने पड़ रहे थे, उसके बाद मैं फंक्शन को कॉल करवा रही थी, देन प्रिंट मैसेज दे रही थी, अब मैंने क्या करा, एक ही लाइन में मैंने सारा दे दिया, कैसे करा, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर फंक्शन कॉल कर, फंक्शन का नेम क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर मैंने क्या दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ, दैट इज ए, ए का वैल्यू मैंने क्या ले ली, 23, इट मींस प्रिंट स्क्वायर 23, अब वो क्या करेगा, प्रिंट स्क्वायर 23 देखते ही वो स्क्वायर ढूंढेगा, स्क्वायर का फंक्शन क्या है, स्क्वायर का फंक्शन क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, ए क्या है, बेसिकली जो वेरिएबल डिफाइन किया, यानी कि जो अंदर, दैट इज 23, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 23, द व्हाट्स द आंसर इज 23 मल्टीप्लाई बाय 23 इज 529, 23 मल्टीप्लाई बाय 23 इज 529, तो आंसर आ गया, एक ही लाइन में जो मैंने वहां पर काम तीन लाइनों में किया वो मैंने इस वाले प्रोग्राम में सिंगल लाइन में किया, दिस इज द बेस्ट वे, ये दोनों ही तरीके ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, जोन सा भी आपको कन्वीनियंट हो, जोन सा भी आपको इजी लगे, आप वो यूज कर सकते हैं, मुझे ये वाला मेथड ज्यादा इजी लगता है, मैं यही यूज करूंगी आगे वाले प्रोग्राम्स में भी। ओके, मुझे वो वाला मेथड से ज्यादा कंफर्टेबल ये मेथड लगता है, आपकी चॉइस, आप जोन सा मर्जी चाहो वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, इवन एंड ऑड बाय यूजिंग फंक्शन, अभी हमने इवन नंबर, ऑड नंबर, इफ एल्स कंडीशन के साथ भी करके देखे, इवन और ऑड नंबर को मैंने लूप के थ्रू भी करवा के देखा है, अब हम इवन और ऑड नंबर को यूजिंग फंक्शन करेंगे। ओके, मींस ये वो प्रोग्राम है जो मैं हर टाइप में यूज कर जा रही हूँ,
पहले मैंने इसको इफ एल्स की कंडीशन में लिया, फिर इसी प्रोग्राम को अगर मुझे लूप में डिफाइन करना तो मैं कैसे करूंगी वो मैंने आपको बता दिया। आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि इसी फंक्शन प्रोग्राम को अगर मुझे फंक्शन का यूज करके करना तो मैं कैसे करूंगी। ओके, सबसे पहले डिफाइन करेंगे फंक्शन। तो डिफाइन में नेम क्या होगा मेरे फंक्शन का, क्योंकि मुझे इवन ऑड नंबर बताना है तो मैंने क्या लिया, इवन अंडरस्कोर ऑड अंडरस्कोर नंबर। ये मैंने अंडरस्कोर का साइन क्यों दिया, बिकॉज टू कंसीडर दिस होल वर्ड एज अ सिंगल वर्ड, ये पूरा वर्ड को एक ही वर्ड की तरह काउंट कर ले, इसलिए मैंने इसके साथ अंडरस्कोर दिया, इवन अंडरस्कोर ऑड अंडरस्कोर नंबर। ब्रैकेट के अंदर डाटा टाइप डिक्लेयर कर दी, ए कॉलन दे दी। आफ्टर दैट अब कंडीशन देनी पड़ेगी मुझे, इफ की कंडीशन होगी। कंडीशन तो आपको पता ही है, बता ही चुकी मैं आपको, बार बार बता चुकी, दो बार मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी इवन ऑड को। अगेन मैं बता रही हूँ कि इवन ऑड को चेक कैसे करते हैं, जब भी नंबर को डिवाइड करते हैं टू से और रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है, दिस इज द कंडीशन। ओके, अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो प्रिंट क्या मैसेज हो जाए, इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर एल्स की कंडीशन आ जाएगी और रिमाइंडर जीरो ना आके कुछ और आ जाए तो प्रिंट क्या हो जाए, ओड। दोबारा बता रही हूँ, इफ ए इज मॉडुलस ऑफ टू मीन्स ए को डिवाइड करते हैं टू से एंड द रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो और रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, जीरो के, देन प्रिंट इवन। प्रिंट क्या हो जाए, इवन। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो, अगर जीरो नहीं आता कुछ और आता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, एल्स में प्रिंट में क्या मैसेज आ जाए, ऑड। आफ्टर दैट अब मैंने क्या कर, फंक्शन को कॉल करवाना था इवन ऑड नंबर 85। अब मैंने यहाँ प्रिंट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे मैसेज प्रिंट में, प्रिंट का मैसेज ऑलरेडी अपने फंक्शन में दे चुकी हूँ, तो देर इज नो नीड टू रिकॉल प्रिंट अगेन एंड अगेन। तो दोबारा से प्रिंट नहीं देने की जरूरत ही नहीं है। तो 85 मैंने नंबर दिया, तो अब 85 को डिवाइड करेगा टू से, टू से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर वन आता तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑड आ गया। दोबारा मैं सेम फंक्शन कॉल करा रही, दिस टाइम आई एम यूजिंग कॉलिंग 98 एज अ वेरिएबल, 98 को मैंने वेरिएबल चूज किया। अब 98 को जब 2 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या आता है, जीरो, तो आंसर क्या आ गया, इवन। दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन मेक एन इवन और ऑड नंबर बाय यूजिंग फंक्शन। इवन और ऑड नंबर को फंक्शंस के थ्रू आप कैसे कॉल करोगे, आपको ये हमने सीखा इस वाले प्रोग्राम में। अब आप इवन ऑड इफ एल्स कंडीशन के साथ, इवन ऑड फॉर लूप के साथ और इवन ऑड फंक्शन के साथ, तीनों में से कोई सा मेथड चूज करके आप बना सकते हैं यूजिंग पाइथन। Now the next is a module. What is the meaning of module? It is a function. Module basically क्या है? Function है. Or you can say that it is a class. ये class है, which is defined in the Python. Python के अंदर define करते हैं. Means जो Python के अंदर inbuilt functions या inbuilt classes हैं, उनको हम क्या कहते हैं? Module कहते हैं. What it is called? It is called module. Module क्या है? Basically a defined function or a defined classes. इन अ पाइथन, जो पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस और क्लासेस होने क्या कहा जाता है, मॉड्यूल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड, अब हमें इसको कॉल करा, जो हमने डिफाइन पहले से ये तो कैसे कराएंगे, बाय यूजिंग एन इंपोर्ट कीवर्ड। हमें इसको कॉल करा तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। इंपोर्ट इज द क्लास नेम, आफ्टर देन द फंक्शन इज डिफाइंड इन देन एंड द क्लास वी कैन कॉल देन। पहले सबसे पहले क्लास नेम को डिफाइन करना पड़ेगा, जो से भी हमने क्लास नेम के अंदर मेंशन होगा, उसके बाद हम उस फंक्शन को कॉल करवाएंगे और देन वो कॉल होएगा और आपका काम करेगा। अब आपको समझ में आएगा थ्रू दिस प्रोग्राम, मैं इंपोर्ट करवा रही हूँ मैथ फाइल को। मैथ फाइल ऑलरेडी पाइथन के अंदर बनी हुई है बाय द नेम MATH। क्या नेम है मैथ का? MATH। ये नेम यही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ, ये जो मैथ है दैट इज अ कीवर्ड, कीवर्ड है जो ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे पाइथन के अंदर। देन अब मैं फंक्शन कॉल करा रही हूँ दैट इज अ स्क्वायर रूट, मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो स्केयर रूट, अब स्केयर रूट का ऐसे तो प्रोग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने जस्ट क्या करना, स्केयर रूट का कॉल करवाया मैथ डॉट एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी इज अगेन अ फंक्शन विच इज डिफाइंड इन अ क्लास मैथ। मैथ एक क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइंड है एसक्यूआरटी, जो कैलकुलेट क्या करता है, स्केयर रूट को कैलकुलेट करता है। मैथ डॉट स्केयर रूट और साथ में दे दिया मैंने वेरिएबल, जिस नंबर को मैंने स्केयर रूट कैलकुलेट करना, 9 का स्केयर रूट कैलकुलेट करना था। प्रिंट स्केयर रूट, प्रिंट स्केयर रूट क्या है, स्केयर रूट मेरा वो वेरिएबल है जो मैंने कॉल करवाया, प्रिंट करवाया। 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 3। इसके लिए जो डाटा टाइप चूज करी होगी, जब ये डिजाइन करी होगी पाइथन, तो फ्लोट की होगी, दैट्स व्हाई यहां पर जो आंसर आया 3.0 आया है। ओके, 3.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब इसको बनाया गया होगा तो उस टाइम पे इसकी डाटा टाइप जो चूज करी होगी वो फ्लोट चूज करी होगी, दैट्स व्हाई यहां पर 3.0 आया। ओके, तो नेक्स्ट मैंने अगेन स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रही हूं 5 का, तो 5 का जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए जिसका आंसर था दैट इज 2.23606797 4997. This is the square root of the 5. That's all about how you can call the inbuilt modules, or you can say that the inbuilt classes or the functions. Now one more example. एक और example करते हैं, math file को ही call करवा रही हूँ, और इस बारी जो मैं call करवा रही हूँ, that is a power. Power के लिए जो function के लिए जो symbol keyword है, that is POW. क्या है? POW. Power. 5
कॉमा थ्री, फाइव इज द बेस एंड द थ्री इज द एक्सपोनेंट, फाइव इज द बेस एंड द थ्री इज द एक्सपोनेंट, व्हाट इज द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव की पावर थ्री, यानी कि फाइव टू द पावर थ्री, व्हाट इज द आंसर, फाइव फाइव इज 25 एंड 25 इज 125, द आंसर इज, प्रिंट करवा के देखते हैं, या करेक्ट 125, दिस इज द सिंपलेस्ट वे, जो इन बिल्ट फंक्शन है, जस्ट यू हैव टू कॉल दैट, पहले सबसे पहले आपको उसके क्लास को कॉल करवाना पड़ेगा बाय यूजिंग इंपोर्ट, उसके बाद आप उसको कॉल कर सकते हैं. दिस टाइम आई एम चूजिंग अ नेगेटिव पावर, मैंने नेगेटिव पावर चूज करी है. अब लेट्स सी क्या नेगेटिव पावर भी कैलकुलेट करती है, यस नेगेटिव पावर भी ये कैलकुलेट करके देगा, दैट्स आंसर इज 0.008. दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. अब हम इन नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक अप प्रोजेक्ट्स बाय यूजिंग फंक्शन इन अ पाइथन. पाइथन के अंदर अगर हमें कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करना है फंक्शंस का यूज करके, तो हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, हम वो सीखेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.